तो भाई इस वीडियो को बनाने के लिए ना मैंने 2 हफ्तों तक सर्वे किया, अपने सब्सक्राइबर से बात करी जिनके केवल 1000-2000 व्यूज आते हैं या फिर 100-200 व्यूज आते हैं, उन लोगों से मैंने बात करी, उनके अकाउंट चेक करे और मैंने 6 गलतियां ऐसी पकड़ी हैं जो ज्यादातर लोग कर रहे हैं। तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाता हूं क्योंकि आप भी वही हो, अगर आप इस वीडियो में आए हो तो आपके भी केवल 1000-2000 व्यूज आते हैं या फिर बहुत से लोगों के केवल 500-600 व्यूज आके स्टक हो जाते हैं, रुक जाते हैं। तो आज का मैं यहां पर आपको रीजन बताने वाला हूं कि आपके अकाउंट पर ऐसी चीजें क्यों हो रही है और आपको वो 6 गलतियां बताने वाला हूं कि जो आपको कभी भी लाइफ में नहीं करनी है, इससे आपके अकाउंट पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है और आपके व्यूज नहीं आते हैं, इंस्टाग्राम आपकी वीडियोस को प्रमोट नहीं करती है। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो गाइस देखो, पहले रीजन आपको बताता हूं, इंस्टाग्राम के जो एल्गोरिथम है ना वो कैसे वर्क करते हैं, जब आप वीडियो डालते हो ना तो वो 1000 लोगों के पास भेज देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है आपके साथ कि एकदम से आपकी वीडियो पर 1000 व्यूज आ जाते हैं, उसके बाद बिल्कुल रुक जाते हैं, ठीक है ना। वो ऐसा क्यों होता है, इंस्टाग्राम में करते हैं, जैसे आपने वीडियो डाली इंस्टाग्राम में करते हैं, आपकी वीडियो 1000 लोगों के पास भेज दिया और 1000 लोगों से रिव्यू लेती है कि इसकी वीडियो कैसी है। वो 1000 लोग अगर उन्होंने रिव्यू अच्छा दिया, लाइक उन्होंने उस वीडियो को पूरा वॉच किया, शेयर किया, कमेंट किया, तो एल्गोरिथम सोचेगा हाँ भाई वीडियो में दम था, तो वो फिर 5000 के पास भेजेगी और ज्यादा अच्छे रिव्यू आए तो फिर 1 लाख के पास भेजेगी। ऐसे से वीडियो वायरल होती है। बट आप क्या करते हो, आपके कंटेंट में दम नहीं होता है, इंस्टाग्राम 1000 लोगों के पास भेजती है, उसके बाद उन लोगों का रिव्यू अच्छा नहीं आता है तो इंस्टाग्राम उसको आगे प्रमोट नहीं करती है। तो ये रीजन होता है कि आपके व्यूज एकदम से स्टक हो जाते हैं। बट काफी लोग ऐसे हैं जिनकी वीडियोस पर 1000 व्यूज आ ही नहीं रहे, केवल 100-200 व्यूज आ रहे हैं, जो उनके फॉलोवर्स देख रहे हैं, इंस्टाग्राम उनकी वीडियो प्रमोट ही नहीं कर रही है क्योंकि वो कर रहे हैं ये मिस्टेक। गलती नंबर पहली, आप जब रील्स डालते होंगे ना तो अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करते होंगे, भाई देख मैंने रील्स डाली कैसी लगी, मुझे रिव्यू दे, उस पर लाइक कर, कॉमेंट कर, शेयर कर। तो उससे क्या हो रहा है, आप खुद से उसको शेयर कर रहे हो, तो इंस्टाग्राम के जो एल्गोरिथम होते हैं ना वो आपके एंगेजमेंट रोक देते हैं। अगर आप खुद से अपनी रील्स को वॉच करोगे तो आपकी एंगेजमेंट रुक जाएगी। काफी लोगों से मैंने पूछा और काफी लोग बोलते हैं कि हाँ तुषार भाई हम एक दो बार देख लेते हैं, या फिर काफी लोग ये बोलते हैं तुषार भाई हम कमेंट कर रिप्लाई करने के लिए हमें खोलनी तो पड़ेगी। तो भाई कमेंट का रिप्लाई आप नोटिफिकेशन से कर सकते हो, इंस्टाग्राम का यहां पर काफी चीजें अपडेट आ गई हैं, लाइक आपके यहां पर नोटिफिकेशन में यहां पर कमेंट्स का रिप्लाई आ जाएगा और यहां पर आप उसको डायरेक्टली रिप्लाई कर सकते हो, आपको वीडियो खोलने की जरूरत नहीं है। अब इंस्टाग्राम ने ये इसलिए ही दे रखा था क्योंकि भाई इंस्टाग्राम खुद कहते हैं कि आप अपनी वीडियो को वॉच मत करो, ये बहुत बड़ी गलती है। हां उसको ऐड टू स्टोरी कर सकते हो एक बार बस, उसके बाद ज्यादातर अपनी वीडियो को खोलना मत। काफी लोग अगर ये गलती कर रहे हैं तो अभी करने छोड़ो और आपकी एंगेजमेंट धीरे धीरे बढ़ने चालू हो जाएगी। गलती नंबर दूसरी, आप उल्टे सीधे हैशटैग डालते हो, इससे क्या होता है इंस्टाग्राम का जो एल्गोरिथम होता है ना वो कंफ्यूज हो जाता है कि आपकी वीडियो का कंटेंट क्या है। लाइक आपने कॉमेडी वीडियो डाली उस पे हैशटैग लगा दिया भाई क्रिकेट के हैशटैग लगा दिए, कुछ भी हैशटैग लगा दिए, तो एल्गोरिथम कंफ्यूज होते हैं, इसलिए आपकी वीडियो प्रमोट नहीं करते हैं। और यहां पर भाई काफी लोग मैंने ऐसे भी देखे जब उनके अकाउंट पर गया उन्होंने 15-15, 20-20 हैशटैग डाल रखे हैं, इससे भी एल्गोरिथम कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई है, आप इस वीडियो को जाकर देख सकते हो, मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि आपको हैशटैग किस तरीके से डालना है और कितने हैशटैग डालने हैं, इस वीडियो को देखो उसके बाद आप हैशटैग डालना सीख जाओगे। तीसरी गलती, वीडियो क्वालिटी। ये बहुत बहुत ज्यादा मिस्टेक लगी मुझे, लगभग अगर मैंने 50 अकाउंट चेक करे ना तो 50 के 50 अकाउंट में मुझको ये देखने को मिला कि आपकी वीडियो क्वालिटी इंप्रूव नहीं है। यहां तक कि इंस्टाग्राम ने साफ साफ ये बात तक बोल रखी है कि अगर आपकी वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है तो हम आपको रील्स बोनस तक नहीं देने के हैं। वीडियो क्वालिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है आपके व्यूज लाने में, मैंने आप लोगों को बता रखा है। वीडियो क्वालिटी बढ़ानी है तो उस पर वीडियो बना रखी है, मैंने अधिकतर सब टॉपिक को कवर कर रखा है, तो भाई जाके वीडियो देख लिया करो, भाई वीडियो क्वालिटी अपनी इंप्रूव करो। अगर आपकी वीडियो क्वालिटी में इंप्रूव नहीं होता ना तो इंस्टाग्राम के जो एल्गोरिथम है वो ऑटोमेटिकली आपकी क्वालिटी वगैरह चेक करता है और वो ज्यादा प्रमोट नहीं करता है। जाहिर सी बात है भाई वो पब्लिक के पास भेजेंगे, पब्लिक उस पर इंटरेस्ट नहीं दिखाएगी, इंस्टाग्राम की बेइज्जती होगी। तो एल्गोरिथम ऐसे यहां पर उन्होंने सॉफ्टवेयर सेट कर रखे हैं कि आपकी वीडियो आगे वो नहीं भेजेंगे। तो वीडियो क्वालिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है, प्लीज बढ़ाओ। मेरे जो अच्छी रील्स पर व्यूज आए थे ना उसकी वीडियो क्वालिटी आप देख सकते हो, बहुत दासू वीडियो क्वालिटी थी, आईफोन से बनाई थी, तो भाई वीडियो क्वालिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है। फोर्थ गलती, मिक्स कॉन्टेंट। ये सभी लोग करते हैं, कभी मुझे देखा है मैं इंस्टाग्राम की जगह यूट्यूब की टिप्स दे रहा हूं, कभी कैरी मराठी को देखा है वो रोस्टिंग की जगह कुछ और कर रहा है, कभी भुवन माप को देखा है यहां पर वो मतलब कॉमेडी वीडियोस की जगह कुछ और यहां पर वीडियोस वगैरह बना रहा है, नहीं देखा ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो अपने कंटेंट से नहीं भागते, उनकी जो ऑडियंस है वो कॉमेडियन है, उनकी कैरी मराठी की जो ऑडियंस है वो रोस्टिंग की है, मेरी जो ऑडियंस है वो आप हो इंस्टाग्राम की। तो मैं यूट्यूब की टिप्स दूंगा तो आप लोग पसंद नहीं करोगे, मेरी वीडियो वायरल नहीं होगी। ये होते हैं एल्गोरिथम, ये सभी प्लेटफॉर्म के ये एल्गोरिथम होते हैं। जब मैंने लोगों के अकाउंट चेक करा ना, लोग क्या कर रहे हैं, कभी सैड वीडियो डाल दी, कभी कॉमेडी डाल दी और कभी नाचते हुए डाल दी, कुछ भी डाल रहे हैं भाई कुछ भी, और फिर कह रहे हैं भाई व्यूज नहीं आ रहे। अब यही गलती ना मैंने अपने ओरिजिनल अकाउंट पर करी थी, मुझे एल्गोरिथम पता थे बट मुझे एल्गोरिथम समझने के लिए सारे कंटेंट अपलोड करने पड़े थे। कभी मतलब ट्रेंडिंग पे कोई आ गया तो भाई आपको लोगों के लिए मतलब यूट्यूब के लिए मुझे कंटेंट अपलोड करने पड़े थे, और ये याला अकाउंट हो गया मेरा मिक्स कंटेंट वाला। इससे क्या हुआ, मिक्स ऑडियंस आ गई। लाइक मैंने कॉमेडी वीडियो डाली, ठीक है ना, कॉमेडी वीडियो देख के मुझे 100 लोगों ने फॉलो करा, उसके बाद मैंने सैड वीडियो डाल दी तो वो 100 लोगों को जो 100 लोगों ने फॉलो करा वो कॉमेडी देख के फॉलो करा था, ठीक है ना, वो सैड वीडियो नहीं देखने के, तो वो 100 लोग मेरी वीडियो देखने की नहीं है और एल्गोरिथम को लगेगा भाई वीडियो में दमी नहीं है, ये 100 लोग मैंने नए भेजे और
और इन्होंने वीडियो देखी नहीं है, ठीक है ना। तो भाई मिक्स कंटेंट मत डाला करो, केवल एक ही कंटेंट पर वीडियो बनाया करो ताकि आपकी ऑडियंस केवल एक हो। अब यहां पर मैंने नया अकाउंट खोला था फिटनेस का, आप लोग इसको देख सकते हो, ठीक है ना। तो यहां पर भाई क्या हुआ, मैंने चुटकी में भाई एक वीडियो पे इतने अच्छा खासे व्यूज लिया आया, आप लोग देख सकते हो, जाकर भी देख सकते हो भाई, कोई फेक नहीं है, बिल्कुल रियल व्यूज है। क्यों? क्योंकि यहां पर मैंने सारे कंटेंट जो आप लोग देख सकते हो यहां पर जिम विम से रिलेटेड सारे डाले थे, ठीक है ना। तो भाई एक ही ऑडियंस लाओगे तो आपकी वीडियो वायरल होगी, कभी भी मिक्स कंटेंट मत बनाया करो। अब भाई पांचवी गलती, यहां पर एक नया ऑप्शन आया शेड्यूल करके, बट आपको ये यूज नहीं करना है। काफी लोग ये यूज करेंगे यहां पर नया अपडेट के लिए, बट आपको ये यूज नहीं करना है। इसके पीछे क्या एल्गोरिथम है वो शायद मैंने एक वीडियो में बता रखा है, बट आपको अगर शॉर्ट फॉर्म में बताऊं, अब इस चीज का एग्जांपल आप कुछ इस तरीके समझ सकते हो, लाइक आपने पनीर बनाया, उसको 3-4 दिन के लिए छोड़ दिया, उसके बाद आप खाने जा रहे हो, तो जाहिर सी बात है भाई उस पनीर की क्वालिटी और टेस्ट दोनों बिगड़ जाएगा। मतलब भाई मैं आजकल कैसे कैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, बट आप लोग समझ सकते हो भाई मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मतलब डेली बेसिस मत करना, कभी इमरजेंसी है आप लोग कहीं जा रहे हो तो तब सही है। ये इंस्टाग्राम ने ऑप्शन इसलिए दिया है, लाइक आप कहीं जा रहे हो और आपको रील्स अपलोड करने, तो आप उसको मतलब इस ऑप्शन को यूज कर सकते हो, जो कोई भी बंदा डेली बेसिस पे यूज कर रहा है। लाइक मैं काफी लोगों से पूछ रहा था, वो कहते हैं कि भाई हमको शाम को अपलोड करने, हम टाइम सेट कर देते हैं, उसी टाइम पर अपलोड हो जाती है। तो भाई डेली बेसिस पे इसको यूज मत करना, कभी कभी आप यूज कर सकते हो। बात यह सिक्स्थ मिस्टेक जो कि 90% लोग कर रहे हैं, भाई आप लोग ना अभी तक टिकटॉक से बाहर निकले नहीं हो, आप लोग अभी तक लिपसिंग कर रहे हो। और इंस्टाग्राम ने इनडायरेक्टली काफी टाइम पहले ये बात बोल दी थी कि यहां पर टिकटॉक वाला कंटेंट नहीं चलने का है, लाइक मतलब क्रिंज कंटेंट और लिपसिंग कंटेंट ये नहीं चलने का है। भाई अगर आपको लिपसिंग ही करनी है ना, तो आप कुछ इस टाइप का कर सकते हो, लाइक जैसे कि कोई यहां पर आप मेरी यारी रील्स देख सकते हो, मतलब गाना था ना, अरे हां नहीं आसान है तुझको पाना, तो यहां पर मैंने लिख दिया कि 1 मिलियन व्यूज, हां कि मतलब 1 मिलियन व्यूज को आसान नहीं है पाना। मतलब कुछ ह्यूमर वाला कंटेंट ला सकते हो, लिपसिंग भले ही कर लो बट ह्यूमर वाला कंटेंट लाओ। कोई गाना पसंद आ रहा है, उसके वर्डिंग ढूंढो और यू कोशिश करो कि भाई उस वर्डिंग में क्या हमारी सिचुएशन मैच कर रही है, ऐसे कंटेंट लाओ। ऐसे कंटेंट बहुत ज्यादा चल रहे हैं, आप लोग खुद नोटिस कर रहे होंगे। तो भाई बट अगर आप नॉर्मल लिपसिंग कर रहे हो ना, तो भाई भूल जाओ कि आपका कंटेंट चलेगा, ये टिकटॉक नहीं है, ये इंस्टाग्राम है, यहां पर कुछ स्टैंडर्ड दिखाओ भाई। काफी लोग बस लिपसिंग कर रहे हैं, उनकी क्वालिटी में दम नहीं है, ना हैशटैग प्रॉपर डाले और फिर कह रहे हैं भाई व्यूज नहीं आ रहे। तो भाई क्यों व्यूज आएंगे, एल्गोरिथम आप तक पहुंच नहीं रहे हैं क्योंकि आप पहुंचाना नहीं चाह रहे हो। तो ये मिस्टेक बिल्कुल भी कभी भूल के मत करना। अगर आपके अकाउंट पर और कोई दिक्कत है, मतलब आप ही लोग ये मिस्टेक नहीं करते फिर भी आपकी रील्स वायरल नहीं हो रही है, तो मुझे नीचे कमेंट में अपना यूजर नेम दो, मैं चेक करूंगा कि आप क्या मिस्टेक कर रहे हो, ठीक है ना। तो बस यार आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, इसी के साथ हमारे प्यार के और फिर मिलेंगे, चलते चलते।